गाइस तो ये देखो मंदिर कितना मस्त लग रहा है, एंड देखो कितना बड़ा सजा रखा बढ़िया करके। ये है भोलेनाथ का मंदिर है चांदनी चौक का फेमस। तो एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी हम चल रहे हैं दिल्ली के रस्तों पर घूमते हुए, ये मम्मी एंड भाई चल रहे हैं दोनों। तो अभी तो हम जा रहे हैं पहले चांदनी चौक, तो फिर उसके बाद जाएंगे हम मथुरा। तो अभी दी आ रही है ना, तो दी के साथ चलेंगे मथुरा। तो अभी तो पहले चल रहे हैं, कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी है सामान वामान की, तो वो लेंगे एंड चलते हैं अभी आगे फटाफट से। गाइज अपना पहुंच गए हम लाल किले पे, एंड लाल किले पे आज तो बंद कर रखा सारा सारा, भीड़ भी हो रही है बहुत यहाँ। तो क्यों पुलिस 15 अगस्त है ना कल का, तो इसलिए आज पुलिस वालों ने सारा बंद कर रखा है यहाँ पे ये लाल किला। तो अभी तो गाइज यहाँ G20 का सम्मेलन चल रहा है ना, तो इसलिए भी बंद है कुछ, थोड़ा बहुत प्रोग्राम वोग्राम चल रहे हैं, फंक्शन हो रहे हैं। और ये देखो ये चांदनी चौक का मंदिर है जिस पर भीड़ इतनी हो रही है। गाइज आज सोमवार की ना, जिससे मेरा भी फास्ट है, एंड यहाँ भीड़ भी इतनी हो रही है, बहुत भीड़ों की भीड़ हो रही है गाइज। अरे तो सब बैरिकेडिंग लगा रखे हैं पुलिस वालों ने, सब रोक रखा है यहाँ पे जाने के लिए कि कोई जा नहीं सकता, अपना आने के जाने की सारी व्यवस्था रोक रखी है यहाँ से। तो एक तो यहाँ से भी बंद है, एंड सारी मार्केट आज बंद है। हमें सामान वामान लेना था ना थोड़ा बहुत, जो भी भाई को लेना था सामान वामान, तो अब वो तो देखते हैं कितनी देर में ले पाएगा बेचारा, वो आगे चलता है थोड़ा बहुत। वो कितना बड़े मंदिर सजा रखा है, तो पुलिस वालों ने सब रोक रखा है बैरिकेडिंग से, क्योंकि भीड़ भी है, फिर दिक्कत ना हो जिससे कि सामान पूजा पाठ करने में किसी को, और अपना वैसे भी। तो बताओ कैसा कर रहा है, चले कैसा कर रहा है, पैदल ना पैदल जाने में बहुत टाइम लगेगा, मिल जाए दुकान खुली तो सही हो। केला तो बन पड़ा है आज तो सारा सारा ये रास्ता चांदनी चौक भी बन पड़ा है, एंड अपन सामान लेने आए थे, बट क्या करें यहाँ तो मार्केट पूरी बंद है। हैं चलो अभी थोड़ा पैदल पैदल देख लेगा, अभी आज खुल दी हो गई दुकान, तो हमें तो सामान लेना और टाइम अभी तो हो रहा है जो कि 5:08 हो रहे हैं, एंड अभी चल रहा है, गर्मी भी लग रही है बहुत तेज की, बट क्या करें फटाफट से चल रहे हैं। और तो मम्मी भी जल्दी आ गई, सामान ही चक्कर में मिली नहीं तो सामान हमें जो सामान चाहिए, तभी तो चल रहे हैं। उन्हें सारी मार्केट ना खुली रहती है, आज बंद कर रखा है किसी वजह से। ये तो लाइट वाली मार्केट है, तो मार्केट अंदर की है क्या, देखते हैं आज खुली हो तो चल लेंगे अपना फटाफट से लेकर अपना सामान, क्या करें है नहीं वो रो। आज मेरे पीछे लाल किला भी G20 सम्मेलन चल रहा है ना, तो उसके से बन पड़ा है, एंड अभी तो चल रहे हैं देखते देखते कहीं मिल जाए दुकान खुली भी फटाफट से, और क्या करें उससे अच्छा क्या कर सकते हैं। देखो सारा बंद पड़ा मार्केट है, सारी सारी बंद पड़ी ना, बंद पड़ी, और बेचारे से सामान लेना था यशु कुमार भाई को, तो बट इसे सामान नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से, एंड चल रहे हैं फटाफट से। आज सब बंद पड़े हैं यहाँ पे सब दिल्ली में, बैंक वैंक ये गवर्नमेंट ने बंद करा रखी है हर चीज़। देखो ना सारी सारी मार्केट बंद है, कोई नहीं क्या कर सकते उससे ज़्यादा, बस ये चल रहे हैं फटाफट। ये है चांदनी चौक का फेमस गुरुद्वारा, जो कि आपको सबको पता होगा, वैसे मैंने भी नाम याद नहीं है इसका, बट ढंग से लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि पंजाबी लिखे है ना, मुझे पंजाबी आती नहीं है। और बहुत बड़ा गुरुद्वारा गाइस ये, जो कि यहाँ पर लंगर वंगर सब मिलता है अपना, एंड सबसे फेमस जगह है पानी मीठा मिलता दिल्ली में, सबसे एक ऐसी जगह ये है कि जहाँ पानी मीठा मिलता है। और मम्मी अभी देख रहे हैं भाई खो गया है ना, तो उसका वेट कर रहे हैं, वो पानी लेने गया था, तो आ लिए पानी वानी भर के फटाफट। तो गाइस यहाँ तक के आगे तक की दुकान तो खुली है, पीछे बंद थी। मैं अपना गाइस तो उन्होंने हमने भेजा मैंने चप्पल लेने के लिए, भाई चप्पल टूट गए ना तो चप्पल लेनी थी, एंड मैं भी आज चप्पल वहाँ मंदिर जाने के लिए था, क्या करें। और इधर साइड मार्केट खुल ली है सारी सारी, उधर भी खुल ली है, एंड वो चप्पल वहाँ से ले रहे हैं, देखते पसंद कर रहे हैं तो कौन सी चप्पल चाहिए जाती है सर, देखते क्या होता है नहीं है। और टाइम भी अभी तो हो रहा है 5:10, 5:20 होने वाले हैं, बट गर्मी भी लग रही है अपने आपको, क्या करें। कल की मार्केट सारी बंद रहेगी, आज तो खुली है बट सारी कल की बंद रही है, जैसा भी है कोई नहीं, तो बैठे वेट कर रहे हैं, देखते चप्पल कितनी देर में लेता है ये। गाइस तो अपना अभी तो चप्पल देख ही रहे हैं अभी तो, भाई साहब बहुत देर हो गई मुझे थके थके, क्या करें है नहीं है। तो गाइस गर्मी लग रही है बहुत तेज की, क्या करें कब तक लेंगे चप्पल, ले सामान ही नहीं लिया जा रहा है पूरा, और क्या करा जाए इससे ज़्यादा है नहीं है। तो हम अभी तक चले रहे साथ साथ सामान लेकर, कोई नहीं लेने देते सामान जब तक लेते हैं गाइस, एंड मिलता है उसमें तो सामान वामान लेकर थोड़ा बहुत।
तो गाइस हम चलते चांदनी चौक की पतली पतली गलियों से अपना रेलवे स्टेशन निकलते हुए, क्योंकि यहाँ से रेलवे स्टेशन बस 10 मिनट की दूरी पे है। तो मैं बोला मम्मी से चलो अपना पैदल पैदल निकल लेते हैं। एंड मार्केट दो गाइस सूट एंड कपड़ों की, अंदर कितनी मस्त मस्त शॉप है एंड सही होल सेल प्राइस है जो कि मार्केट में दिखते हैं आपको सूट की भी है नहीं है, तो इतनी भीड़ भी नहीं है यहाँ पर एंड अपना आराम से शॉपिंग कर सकते हैं हम जो कि। बट कोई नहीं, देखो कितने प्यारे प्यारे सूट टंग रहे हैं जो कि हम, मैं क्या करूँगा गाइस, मैं तो शॉपिंग करना आता था मैं ले लेता, बट मुझे 2-3 ड्रेस इतनी पसंद आई, मैं क्या रहा किसके लिए लूँ, मैं तो अभी तो ले नहीं सकता, जिसके लिए भी तो लेना था। कोई नहीं, अपना आएंगे फिर नेक्स्ट टाइम पे जब यहाँ पे शॉपिंग करेंगे, अभी तो जितना चलने दो। कितने मस्त मस्त कपड़े हैं, अपने कोट पैंट से लेके A to Z बॉयज़ गर्ल्स एंड बच्चों के तक सब मिल सकते हैं यहाँ पर कपड़े आराम से, जो भी अपना लेना हो सूट सलवार अपनी लहंगे पहंगे जो भी शादी वादी ड्रेसिंग अच्छी मिलती है आराम से अपना मिल जाएगा, अपना सही प्राइस हो होल सेल प्राइस है एंड कोई टेंशन नहीं। बस ये छोटी छोटी गलियों से निकल के बाहर आ चुके हैं एंड मम्मी देखो पीछे पीछे क्या क्या जा रही है मेरे, दिख रहा ना ये देखो, नहीं ये जा रही ना रोड है वो पार्किंग है यार किसी की, ये तो देखो तुम। गर्मी बहुत लग रही है बट क्या करें, चलने अब तो और तो क्या कर सकते हैं। ये देखो ये ढीला है, ये ढीला हो गया बिल्कुल ही। मम्मी भी देखो तेरी क्यों नहीं बनाओ तू यार। रेलवे स्टेशन सामने हमारे रेलवे स्टेशन और अपना क्रॉसिंग, कितनी हो रही है भीड़ जो कि, और अपना टाइम भी 6 बजे की रेल, 6:30 की रेल है बट अभी दी का वेट कर रहे हैं कितनी देर में आने वाली है। और बैठ जाते गर्मी लग रही है भाई साहब, हमें तो क्या करें, बैठ गए 3 लंगों जमीन पर नहीं है तो भी बैठे हैं एंड वेट कर रहे हैं। तो गाइस हम अपना मेट्रो से आए, मेट्रो में आ गए क्योंकि गाइस न्यू दिल्ली से मेट्रो नहीं, वो बस नहीं थी, ट्रेन नहीं थी अपने जाने के लिए, तो अपना आ गए हैं इस मेट्रो। तो मम्मी और भाई एंड दी सब नीचे हैं, मैं ऊपर चढ़ा दिया क्योंकि भीड़ इतनी थी, तो सब अपना अपने बैलेंस संभाल संभाल के खड़े हैं ऊपर तक ही अभी तक, बट जैसे भी अपना बैठा अभी तो मेट्रो ट्रेन में ही, अब पता नहीं कितना टाइम लगता है। तो 1-1.5 घंटा हो पहुँचने में, अभी तो इसलिए बैठे हैं, जब पहुँचेंगे बताएंगे आपको भी गाइस कितनी देर में, देखते हैं अभी कितना टाइम है, तो 11 दिखा रहा है, 11 से आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है, तो बट कोई नहीं तो बैठते हैं वेट करते हैं ट्रेन गई। तो फाइनली गाइस अपना मथुरा जंक्शन पर पहुंच चुके हैं एंड अपना जैसे ही राधे राधे और अपना करता हम बाके बिहारी जी के दर्शन, सुबह तक ही होंगे, अब तो मंदिर बंद हो रहा होगा क्योंकि टाइम भी ऐसे हो रहा है ना 12-1 बज रहे हैं। और देखो रेलवे स्टेशन में कितनी भीड़ हो रही है गाइस, अभी तो बहुत भीड़ पड़ी है, बहुत ही हो रही है, देखो मैं अभी तो आप मेरे मोबाइल में देख रहा हूँ छोटे छोटे देख रहा हूँ गाइस। अपना हम आ गए हैं रेलवे स्टेशन पर, देखो कितनी भीड़ हो रही है, बिल्कुल ही ऐसी भीड़ हो रही है खचाखच बिल्कुल ही, ना कोई देखने लायक इतनी, और ये सब राधा रानी के भक्त हैं और बाकी जी की बिहारी जी की जो कि अपना दर्शन करके आ भी गए हैं, शायद जा भी रहे हो अपना रेलवे स्टेशन पर रुक गए हैं क्योंकि रात को तो मंदिर बंद होते हैं है ना, मंदिर बंद होते हैं और शायद रूम वूम भी आज मिल नहीं रहे हो अपना, क्योंकि भीड़ भी हो रही है ना बहुत भेदों की भीड़ हो रही है, जिसके कारण को अपना सब घूमने के लिए अब यहीं बैठ गए, अपना सुबह चलेंगे अपना। अपना ऑलरेडी अब सर थक चुके हैं अपना, जाके अब रूम लेंगे एंड चलता अब सोने के लिए। तो मिलता है आपसे इतने नेक्स्ट व्लॉग में, आई व्लॉग आपको पसंद आया, व्लॉग आपको पसंद आया तो वीडियो शेयर करना सब्सक्राइब करना, मिलता है आपसे नेक्स्ट व्लॉग, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।